नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कल पहली बार आजमगढ़ जाएंगे सीएम योगी। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकियों ने आर्मी पार्टी पर की फायरिंग। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बागी गुट के वकील बोले यह दल बदल का मामला नहीं। मंकी पॉक्स पर दिल्ली सरकार अलर्ट, 3 अस्पतालों को 10-10 कमरे रिजर्व करने को कहा। बाहुबली अतीक अहमद और उनके छोटे बेटे अली पर एक और मुकदमा दर्ज, जेल में है दोनों बंद। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक, रायपुर सहित 7 जिलों में 11 मामले मिले। छत्तीसगढ़ में स्टील बिजली कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड, रायपुर रायगढ़ कोरबा में 10 से अधिक ठिकानों पर कार्यवाही। ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू, बढ़ सकती है ईएमआई, रेपो रेट में हो सकती है वृद्धि। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।